नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, टाइटल मौलिक अधिकार। मैं दिनेश सिरवी, आप सभी छात्रों का सिरवी सर स्वागत करता हूँ एक बार फिर। कुछ छात्रों ने मुझे मैसेज किया, कहा सर मौलिक अधिकार जो है वो याद नहीं होते। दोस्तों, संविधान के किसी भी पेपर में आप देख लीजिए, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद, नीति निर्देश तत्व, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें सवाल आते ही आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन आपके या तो फिर आएगा, मिलान कीजिए या फिर आपके सवाल आएगा कि क्रम में क्रम से जचाओ। सवाल आ सकता है कि पांच चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है, पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा है, कुछ भी सवाल आ सकता है। इसका मतलब हमें जितने भी मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है वो हमें संपूर्ण तरीके से याद होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी भाषा कुछ इस तरह से है कि हमें याद होते ही नहीं है। तो इसीलिए हमें 11 के जो 11 मौलिक अधिकार है, ये आपको बता दूँ कि मौलिक अधिकार जो है वो 11 होते हैं। वैसे मौलिक अधिकार है क्या चीज़, यानी कि हमको कुछ अधिकार प्राप्त है वो होते हैं मौलिक अधिकार। 11 के 11 अधिकार हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम आसानी से कैसे याद करें ये मैं आज आपको बताता हूँ। इसके लिए बस आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। मैं औरों की तरह बिल्कुल टाइम वेस्ट कभी करता ही नहीं हूँ, ना करूँगा। तो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि कभी आपने ABCD सीखी नहीं हो। ABCDEFGHIJK, बस हमें ज़्यादा इंग्लिश ABCD सीखनी भी नहीं है, सीखनी सिर्फ यहीं तक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ABCDEFGH, अब आपने हमेशा याद किया होगा कि A फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये हमें अब याद नहीं करना, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम मौलिक अधिकार याद कर रहे हैं। चीज़ ये की ये है, लेकिन हमें जो है बस इन चीज़ों को थोड़ा छोड़ना है, एप्पल बॉय को छोड़ना है, और ABCD से ही हम मौलिक अधिकार जो है वो हम याद करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, आराम से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके आइएगा। अब हम लोग A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे जो पहला आपका होता है A, A फॉर क्या है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्या है, एप्पल। आप लोगों के लिए होना चाहिए A फॉर एंथम। देखो, इंग्लिश वर्ड भी तो याद तो करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। A फॉर एंथम, अभी तक बस सिर्फ इतना ही याद किया, बहुत सा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है? अभी तक आप सिर्फ इतना ही याद कीजिए, A फॉर एप्पल। उसके बाद हम आते हैं बी फॉर, किसके लिए बी फॉर क्या होता है आपको दिख तो रहा है? बी फॉर आप बच्चों के लिए बॉय, लेकिन आपके लिए बी फॉर बापू। ध्यान रखिएगा, बापू घर वाला नहीं, ये बापू दूसरे हैं, गांधी जी समझ लीजिए। उसके बाद सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कन्फर्म, सी फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी, क्या है, कन्फर्म सॉवरेंटी। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, लेकिन आपको आराम से याद रखें, सी फॉर आप कन्फर्म सॉवरेंटी याद रखिए, बस कन्फर्म सॉवरेंटी। मैं लिख देता हूँ, सी फॉर A फॉर एंथम, बी फॉर बापू, सी फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी।
अब आते हैं अपन D4। तो D4 डिफेंस मौलिक अधिकार, अगर किसी को याद है तो वो याद कीजिए कि जो चौथा मौलिक अधिकार है वो देश की रक्षा का मौलिक अधिकार है। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ कि ये जो अनुच्छेद में है वो है 51A, ठीक है, ये ज़रूर ऊपर लिख दीजिएगा। अब D4 डिफेंस हो गया, अब हम सबसे पहले ABCD वाला शुरू करेंगे, उसके बाद आप प्लीज़ लिख दीजिएगा क्योंकि ये मैं बाद में मिटा दूंगा। सबसे पहले हमने किया था A4 एंथम। एंथम का मतलब है राष्ट्रगान, जी हाँ राष्ट्रगान से संबंधित है ये पहला। B4 बापू जी ने क्या कहते हैं, आंदोलन किए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है ये। लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन। C4 क्या लिखा, कन्फर्म सॉवरेंटी लिखा, इसका मतलब है संप्रभुता बनाए रखना, मतलब कन्फर्म करे रखना, संप्रभुता बनाए रखना, ठीक है, संप्रभुताएं बनाए रखना। अब अपन आते हैं वापस D4। D4 क्या किया था, डिफेंस लोग क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा, तो बस ये लो सर देश की रक्षा, ठीक है, ये चारों आप लिख दीजिएगा। देखिए A4 एंथम राष्ट्रगान, B4 बापू राष्ट्रीय आंदोलन, C4 कन्फर्म सॉवरेंटी संप्रभुता बनाए रखना, D4 डिफेंस देश की रक्षा। अब अपन चलते हैं E4, हमसे बनिए रहेगा, इतनी अच्छी चीज़ बता रहे हैं तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो हमारा जो चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये केवल आप ही, देखो सबको अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आपको पता है ना, तो ये सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, आपको सबको बताना चाहिए। बताने से ऐसा नहीं है कि आपके कभी नंबर कम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बताना चाहिए ताकि भगवान भी आपकी हेल्प करें। तो अपन E4 चल रहे हैं, अपन E4 एक्टिविटी क्या है, E4 एक्टिविटी, ये देखो थोड़ा इस तरह से है, ये देखो लिख रहा है ना आपको आराम से, हाँ इसलिए बड़े बड़े लिख रहा हूँ मैं, E4 एक्टिविटी बाद में करेंगे। और उसके बाद में है F4, F4 क्या है, डार्क लिख देते हैं, F4 है फैंसी कल्चर, ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है, फैंसी कल्चर के बारे में आपको लिखना है बस, फैंसी, ये लीजिए भाई फैंसी कल्चर, क्या हो गया फैंसी कल्चर हो गया ना। उसके बाद देखिए अब आता है आपके EFG, G4 क्या होता है भाई, गर्ल नहीं होता है और ना ही समझना गर्ल होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। G4 होता है ग्रीन, क्या होता है ग्रीन, ये देखो इसके कितने सिंपल वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ, G4 ग्रीन। H4 भी कर लेते हैं मित्रों, H4 ह्यूमनिज्म, क्या होता है H4 ह्यूमनिज्म, देखो दो चार वर्ड, एक तो वो C4 कन्फर्म सॉवरेंटी और E4 इक्वलिटी कोई नहीं, और जो ये एक H4 ह्यूमनिज्म, बस ये दो तीन वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद में आपको लास्ट में एकदम से याद करवा देंगे। चलिए पहले E4 करते हैं हम, इक्विलिटी मतलब क्या होता है भाई, इक्वल यानी कि समान, तो ये लो सर समानता का अधिकार, ये लो और तो क्या। अब उसके बाद में फैंसी कल्चर क्या होता है, फैंसी का मतलब क्या होता है कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति, कौन सी संस्कृति, अपनी सामाजिक संस्कृति संबंधित है, क्या है
सा सामसिक कल्चर, ठीक है। अब देखिए जी फॉर ग्रीन, अब ग्रीन क्या चीज़ होती है भाई, पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित है, कितने सिंपल है ना दोस्तों। मेहनत लगती है हमारी, लेकिन सिर्फ आपके लिए, क्योंकि देखो हर कोई चीज़ आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आजकल इंसानियत तो रही नहीं। खैर, एच फॉर ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मतलब क्या भाई? अरे भाई ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानव, मानवतावाद। और ये लीजिए एक और अपना बन गया, मानवतावाद, मानवतावाद, जो कि अपने एच फॉर ह्यूमनिज्म है। तो एक बार वापस फिर से याद कीजिए, ए फॉर एंथम राष्ट्रगान, बी फॉर बापू राष्ट्रीय आंदोलन, सी फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी संप्रभुता बनाए रखना, डी फॉर डिफेंस देश की रक्षा, ई फॉर इक्वलिटी समानता, एच एफ फॉर फैंसी कल्चर सामसिक कल्चर, जी फॉर ग्रीन पर्यावरण हो जाता है, एच फॉर ह्यूमनिज्म जो मानवतावाद। अब अपने पीछे सिर्फ तीन और रहे हैं एच फॉर, अब आई फॉर करेंगे अपन, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। आई फॉर क्या होता भाई? आई फॉर आइसक्रीम, वो सिर्फ बच्चों के लिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। अब बड़े हो गए हो, आइसक्रीम से दूर हट जाओ, और मौलिक अधिकार याद कर रहे हैं अपन। तो चलिए सबसे पहले एक तो आई फॉर बाकी रह गया। आई फॉर होता है मित्रों इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन, आई फॉर इंडियन, ये आइसक्रीम नहीं रखना है, इंडियन। इंडन ये, सॉरी वर्ड जो है वो ये है, डन प्रॉपर्टी। ठीक है, आई फोर हो गया। उसके बाद में आता है अपना जे फोर। जे फोर क्या होगा? ज्वाइंट, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आप इसका चैंस नहीं मत लो। ज्वाइंट एक्टिविटी, ठीक है, ये आपका जॉइंट एक्टिविटी हो गया। अब इसके बाद में लास्ट आप कर रहा है के तक। आपको मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपको बस के तक, पूरी स्पेलिंग पूरी एबीसीडी भी याद नहीं करनी है, सिर्फ के तक बस, क्योंकि इतना ही अपना काम होगा। अब के फोर क्या होगा सोचिए, आप कमेंट कीजिए। के फोर भी बहुत अच्छा वर्ड है, सिर्फ है नॉलेज। अब अगर किसी दिमाग में यूँ आ रहा है कि भाई सर नॉलेज तो एन से स्टार्ट होता है, तो ये आपको बता, ये आपको पता है, आपको समझदार हो कि नॉलेज की जो स्पेलिंग है वो होती है के से शुरू, है ना, वो के से शुरू होती है, एन फॉर नॉलेज। चलिए अब लास्ट जो तीन वाले हैं अपन कर देते हैं। इंडियन प्रॉपर्टी, अब इंडियन का मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय, और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। ये लो भाई, ये अपना एक और तैयार हो गया, राष्ट्रीय संपत्ति। अरे मेरे राजस्थानी अगर लोग देख रहे हैं तो कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हैं? अरे हजमिया कि नहीं हजमिया। तो ज्वाइंट एक्टिविटी, चलिए अगला करते हैं जी। ज्वाइंट एक्टिविटी, ज्वाइंट एक्टिविटी क्या होता है? ज्वाइंट यानी क्या होता है? सामूहिक, क्या होता है? सामूहिक गतिविधियाँ। एक्टिविटी मतलब क्या होता है? एक्टिविटी मतलब ही तो गतिविधि होती है ना, सामूहिक गतिविधियाँ, ठीक है, सामूहिक गतिविधियाँ, ध्यान से देख लीजिएगा आप आराम से। और लास्ट में है नॉलेज यानी कि शिक्षा। जी हाँ शिक्षा, और भी ये बताइए मुझे शिक्षा कितने वर्ष, कितने वर्ष के बालकों के लिए, जो कि है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, वो पता हो तो अनिवार्य शिक्षा वाला है, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो है
11 मौलिक अधिकार जो है वो अपने तैयार होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। एक बार फिर से देखिए, ए फॉर एंथम राष्ट्रगान, बी फॉर बापू राष्ट्रीय आंदोलन, सी फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता बनाए रखना, डी फॉर डिफेंस देश की रक्षा करना, ई फॉर इक्विलिटी यानी कि समानता, एफ फॉर फैंसी कल्चर सांस्कृतिक संस्कृति, जी फॉर ग्रीन जो कि पर्यावरण से संबंधित है, एच फॉर ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, ठीक है, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधियाँ, उसके बाद के फॉर नॉलेज शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष तक लिए। तो इस प्रकार से जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो एकदम तैयार हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, बस 2-3 बार आप लिख कर लेना और रट लेना। रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधा A4 B4 बस ABCD याद रख लो। तो ये मेरा फ़र्ज था आप लोगों को बताने के लिए, आपका फ़र्ज है अधिक से अधिक लोगों को तो बताने के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, इसके अलावा हम और भी खूब चीज़ें सीखेंगे, यहाँ तक कि मैं अब कंपटीशन जो एग्ज़ाम है शुरू से लगाकर लास्ट तक पॉइंट, चाहे वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो भी भर्ती प्रतियोगिता है उसके हिसाब से अब हम लोग जल्द ही नोट्स बना रहे हैं, मैं आपके लिए जल्दी नोट्स बना रहा हूँ, उस नोट्स के हिसाब से आपको बिल्कुल तैयार किया जाएगा, एक एक पॉइंट बताया जाएगा, इसी तरह बिल्कुल आराम से पढ़ना दोस्तों। बहुत हज़ारों वीडियो हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको और ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग जो है वीडियोस बीच में से बनाते हैं, हम जो है शुरू से आपके लिए लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी का अधिकार है। अभी आपने मौलिक अधिकार ही तो पढ़े ना, सभी का अधिकार है जानने के लिए, और आप लोगों का गुणगान ही गाएंगे और तो क्या, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा ऐसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।